गाइस, आई एम हिमांशु उपाध्याय। एक हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी एक लाइट आईसी है। हमारी लाइट आईसी दो प्रकार की होती है, एक लेग वाली और एक ये होती है बॉल वाली। तो अगर बाय चांस हमारे पास एक ऐसी होता है, सबके साथ ही होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बॉल वाली आईसी है नहीं होती है। अब ये वाली आईसी नहीं तो आप क्या करेंगे भाई, सीधे से कस्टमर को फोन वापस कर देंगे क्योंकि आईसी नहीं है। आईसी नहीं तो आप सीधा इसको वापस कर देंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपन लेग वाली आईसी को बॉल वाली आईसी में कैसे बाईपास करेंगे ताकि आप जो कस्टमर को फोन वापस कर रहे हैं ना, वो वापस ना जाए। तो मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहेंगे, लेग वाली आईसी को बॉल वाली आईसी में बाईपास करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इनपुट की जरूरत, जो कि ये हमारा VIN है जो जाके इन हो जाएगा, 4 वोल्ट बनाता है ये। हमें यहाँ से उठा के यहाँ तक जम्पर मार देना। उसके बाद हमें PWM में जाना है तो हमें यहाँ से उठा के जम्पर यहाँ मार देना है। उसके बाद हमें स्विचिंग चाहिए, स्विचिंग 1.8 वोल्ट, तो हम स्विचिंग में यहाँ से जम्पर उठा के और यहाँ पे जम्पर मार देंगे। उसके बाद हमें ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, एक आईसी को ग्राउंड की जो एक सभी आईसीओ को ग्राउंड जरूर चाहिए होता है, तो यहाँ से ग्राउंड का जम्पर उठा के हमें ग्राउंड में दे देना, जो कि ग्राउंड कहाँ पे है, ये यहाँ पे हमें यहाँ जम्पर उठा के यहाँ रख देना है। अब हमें NC है तो इसको उठाने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये समझ लो कि 6 लेग की आईसी है तो हमें जम्पर कितने उठाना है, सिर्फ 5 ही, 6 की भी जरूरत नहीं है। तो इतना करने के बाद हमारी ये आईसी की जरूरत नहीं है और लाइट भी परफेक्टली तरीके से चलेगी एकदम। जैसे फोन में जलती है ना, ब्लिंक करेगी ना, तेज होगी ना मद्दी होगी, जैसे एक ओरिजिनल फोन में एक जो कंपनी फिटेड जो फोन आते हैं वैसे की वैसे ही एकदम देगी। तो इन सब करने के लिए आपको ये आईसी को इस आईसी में बाईपास करने के लिए एशिया टेलीकॉम में ज्वाइन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते। आप तो बस यही है, फोन आता है, फोन उठाए आप, किसी दूसरे के यहाँ दे आए भाई, यही तो आपके पास आता है। आपने फोन ले लिया कस्टमर से, किसी दूसरे के यहाँ फेंका, तो कब तक ऐसा करोगे भाई? आप अपना फोन खुद ही बनाइए, किसी दूसरे से देने का अच्छा क्या फायदा। तो आप अपना फोन आप खुद ही बनाइए, कोशिश कीजिए, और एक बार अगर आप ये चीज सीख लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए फ्री। आप आज फोन आ रहा है कस्टमर का, भेज रहे हो, फिर कल फिर आ रहा है, फिर कल भेज रहे हो, क्या मतलब ऐसी लाइफ भाई? जी कस्टमर आपका सब कुछ, आपका पैसे किसी और को दे रहे हो आप, तो ऐसी लाइफ कोई मतलब नहीं है भाई। एक बार आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करो, हमारे एनडी सबसे बात करो, हमारे एमडी सर के नंबर पर कॉल करो और जानो एशिया टेलीकॉम में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। ये आईसी बस नहीं, ऐसी बहुत सारी आईसी हैं जो हम बाईपास कर देते हैं भाई। आज 8वां दिन है, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, इतना फ्रेशर स्टूडेंट था कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे तो वोल्टेज का नॉलेज नहीं था। जो बैटरी के एक बैटरी का एक पॉइंट होता है ना, इसमें कौन सा वीवीएस लाइन होती है, कौन से आईडी, कौन से थर्मल माइनस कितने होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ यूट्यूब में देख के कॉम्बो लगा लेता था, यूट्यूब में देख के कोई जम्फा नंबर डायरेक्ट बोलते तो जम्फा लगा, बाकी उसको कुछ भी नहीं आता था। आज आप 8 दिन में इतना नॉलेज हो गया भाई साहब कि मैं आज अगर सर भगा भी देंगे ना तो भी पैसा वसूल है भाई, 55,000। 8वें दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आज मुझे सर किसी बाई चांस, भगवान ना करे, अगर सर भगा भी दी ना कि भाई तू चले यहाँ से, तो मैं तो भाई ट्रेंड हो गया अपने हिसाब से। अभी 8 दिनों में एकदम ट्रेंड हो गया मुझे, और पता नहीं 24 दिनों में तो क्या ही होगा। अभी 8 दिन की बात करो, 8 दिन में इतना ज्यादा नॉलेज मिला है भाई, इतना डीप नॉलेज मिला है, इतना बेहतर नॉलेज मिला है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मजा आ गया। तो आप देर मत करो यार भाई, सीरियस बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पछताओगे, कब तक पीछे रहोगे अपने मार्केट में, कब तक अपना कस्टमर का फोन किसी और को दोगे, कब तक चलेगा ये आपका कस्टमर, आपका सबको किसी और दे रहा हो भाई। उससे फर्क भी पड़ता है, कस्टमर देखता है कि अरे यार भाई ये तो मेरे से फोन लेता है यार, दूसरे के यहाँ ले जाता है यार। एक बार आएगा वो कस्टमर, दोबारा अगर देख लिया ना कि उसके यहाँ जाता है, फिर नहीं आ रहा आपके यहाँ, तो आप सबसे बड़े कन्फ्यूजन में हो कि मेरा कस्टमर है, चल मैं बना लेता हूँ। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। अगर एक बार कस्टमर को भनक भी लग गई ना कि आप फोन नहीं बना रहे हो, कहीं और लेके जा रहे हो, फिर आप तो भूल जाओ कि आपका कस्टमर है भी वो। तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार कॉन्टेक्ट करो हमारे MD सर से, एशिया टेलीकॉम यूट्यूब पे सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, कहीं भी देख लो नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करो, पता करो। 55,000 रुपए फीस है, 55,000 रुपए फीस है, फीस तो छोड़ दो, आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, हो सकता है आप 55,000 रुपए न दे पाए, लेकिन एक बार जुगाड़ करके ले आओ भाई। यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कर्ज लेके आए हैं, सीधे बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कर्ज लेके आए, बहुत सारे स्टूडेंट जो मांग के लेके आए, उनको ये भरोसा, इस भरोसे से लेके आए कि मैं आज लेके जा रहा हूँ 55,000 रुपए कर्ज मांग के, और 2 महीने बाद उस कर्ज को चुका भी दूंगा, मेरी लाइफ भी सेट है, मेरी लाइफ भी सेट है, उस कर्ज को चुका भी दूंगा। इस भरोसे से आप आए हैं और इस भरोसे को एशिया टेलीकॉम ने बिल्कुल बहुत अच्छे से बना के रखा है। उस भरोसे को 8 दिन में ही बिल्कुल एकदम ट्रेन कर दिया अपने स्टूडेंटों को।
वो आज भी अगर 8 दिन बाद भी जाएगा तो समझ जाएगा, बता देगा उसकी लाइफ सेट है। तो बहुत बढ़िया है भैया, बहुत डीप नॉलेज मिलता है। एक बार आइए, बात कीजिए हमारे एमडी सर से, देव सर से, बहुत मजा आएगा, सारी चीज़ें जानिए एक बार। और बिना कोई कहीं और की सोच रहे हो एक बार यहाँ बात कर लो। अगर आप जा रहे हो दिल्ली जाने की सोच रहे हो, कानपुर जाने की सोच रहे हो, कहीं भी जाने की सोच रहे हो भाई, फ़ोन तो वहाँ कर रहे हो, एक बार यहाँ फ़ोन करके देख लो ना, एक बार यूट्यूब में एक बार कुछ वीडियो ही देख लो भाई। लाइव चलते हैं, लाइव तो झूठ नहीं होगा, हो सकता है हम रील्स बना रहे हैं तो कट करके डाल दें, लाइव तो झूठ नहीं होगा, एक बार देख तो लो भाई आपका क्या जाता है देखने में, एक बार ट्राई कर लो ना, खुद पता चल जाएगा। तो एक बार ट्राई करो भाई, क्या जाता है यार, इतने तो चक्कर खा ही रहे आप, यहाँ वो है, कहीं लड़की बात कर रही है, कहीं ये मना रहे हैं, कहीं आपके पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं, हमारे यहाँ से कोई कॉल नहीं जाता भाई। एक बार आप फोन लगाओ यहाँ पे कॉल बैक भी नहीं जाता दोबारा, आप जैसे कॉल करेंगे ना तो आपको समझाएंगे, दोबारा कॉल बैक नहीं आएगा कि भैया आ जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। आप कॉल करके एक बार पूछ लो प्लीज़। थैंक यू सो मच हमारे एशिया टेलीकॉम जो मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा किया है, थैंक यू सो मच हमारे एमडी सर जो इस लेवल पे हमें पहुँचाए यार, सीरियसली यार, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम। थैंक यू धन्यवाद। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इशहाक है और मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास लाइट आईसी जो आती है उसमें अगर आईसी नहीं होती है तो हम उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आईसीआई है जिसमें एक सेट आया है जिसमें लाइट की प्रॉब्लम है और उसमें आईसी ख़राब है, तो उसमें जो आईसी लगी है वो 12 लैक की लगी हुई है और ये आईसी हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ना ही मार्केट में अवेलेबल है। तो हम इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि आईसी हमारे पास अभी 6 लैक्स की है, हम इसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे इसको मैं अब आप सबको बताता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास ये देखेंगे कि जो इनपुट की लाइन बनती है, जो हमारी 4 वोल्ट की जो लाइन होती है उसे हम इसमें इन कर देंगे और फिर उसके बाद से स्विचिंग की जो लाइन होती है उसे हम इस आईसी में स्विच करा देंगे और फिर PWM की जो 1.8 की जो लाइन होती है उसमें हम इसमें स्विच कर देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो फीडबैक की जो लाइन है उसे हम इस आईसी के बॉलों में हम टच करा देंगे और फिर उसके बाद से ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे एंड देन एनसी को हम छोड़ देंगे। हमारा ये आईसी तो टोटली पूरी तरीके से बाईपास हो चुका है। अब हम इस आईसी को अगर किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो उसमें हमारा लाइट पूरी तरीके से सक्सेसफुली जल जाएगा। तो आज ये हमारा क्लास एमडी सर के साथ हुआ है और एमडी सर ने हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ महज कुछ ही घंटों में बताई है और ये रिज़ल्ट सिर्फ कुछ घंटों का ही है। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि मेरा समझाने का तरीका सिर्फ इतना ही था और इतना मैं कहना चाहूँगा यार कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी अपने मार्केट में कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं और आपको लगता है कि अब अपडेट होने का टाइम आ गया है, लोगों के आगे जाने का टाइम हो गया है, तो प्लीज़ एशिया टेलीकॉम आओ, ज्वाइन करो। हम खुद ही फ्रेशर्स हैं, हमने आज तक कभी SMD नहीं पकड़ी, हमने माइक्रोस्कोप में कभी देखा नहीं, तो प्लीज़ हम आ करके यहाँ देखो, लोग 7वें 8वें दिन में कभी मोबाइल नहीं छूने देते हैं और हम पूरी तरीके से मोबाइलों में आईसीओ को मॉडिफाई कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, हम यहाँ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको देख करके समझना और सोचना चाहिए कि एशिया टेलीकॉम का जो नॉलेज है, जो टीचरों का नॉलेज है, वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट के दिमाग में डाल रहे हैं। हम अगर इस तरीके का नॉलेज ले सकते हैं जिसने आज तक कभी SMD भी नहीं पकड़ी है, तो आप तो फिर भी कई सालों से काम कर रहे हैं, आप हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, हमसे भी कहीं ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे एज अ फ्रेशर। अगर मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आप सब भी ये काम कर सकते हैं। अगर एक गाय चराने वाला भी इंसान है, अगर वो सोचता है कि मैं कभी भी एक आईसी भी रिवॉल्व नहीं कर पाऊंगा, एक चार्जिंग जैक नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं यही कहूंगा कि यार तुम आईसी चेंज करना छोड़ो, तुम पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन करना सीख जाओगे। तुम्हारे पास अगर मार्केट में एक आईसी नहीं है तो तुम दूसरी आईसी जुगाड़ में लगा करके उसे मॉडिफाई कर सकते हो और उसे ज़रूरी सप्लाई दे करके चालू कर सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें सही तरीके से सिखाएं। तुम्हारे टीचर अगर सही होंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और अगर चाहते हो कि तुम अभी पैसा खर्च नहीं करना चाहते और सोचते हो कि चलो आज नहीं कभी और चले जाएंगे, तो मुबारक हो, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा दुनिया में। और अगर जो चाहता है कि हम मार्केट के बाप बने तो प्लीज़ एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन करो और हम जैसे बनिए। हम अगर शुरू के ही 8 दिन में अगर इतना सीख सकते हैं तो सोचिए 24 दिनों में कितने हो सकते हैं। 24 दिन के बाद मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई दूंगा, अपना खुद का पर्सनली वीडियो दूंगा और इस वीडियो को आप नोट करके रख लीजिएगा। मैं उस समय क्या कहता हूँ और अभी क्या कहता हूँ उस चीज़ को आप सुनिएगा, मेरा इस समय क्या लेवल है और उस समय क्या लेवल होगा, इंशाल्लाह आप सबको मैं बताऊंगा।
हाँ, तो मेरा नाम अरविंद अहरवार है, सिवनी जिला से हूँ। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि लाइट सेक्शन के बारे में है, और वो मेरे पास वो आईसी अवेलेबल भी नहीं है, और वो है 12 वोल्ट की आईसी, और जो मेरे पास अवेलेबल है वो 6 वोल्ट की आईसी। तो जो इस सर्किट में हमने ये जाना है कि हमको इसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे इसके सर्किट के बारे में नॉलेज लेना है। तो आज सर ने जो हमको बताया, जो मॉडिफाई करना सिखाए हैं, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास 6 पिन की आईसी और 12 वोल्ट की आईसी से मैच करेंगे तो लग नहीं पाती, लेकिन इसको मॉडिफाई सप्लाई द्वारा अपन को इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले 4 वोल्टेज को इन करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपन स्विच वोल्टेज को भी इन कर देते हैं। फिर इसमें आपको फीडबैक की ज़रूरत पड़ेगी। फीडबैक के लिए आपको LED प्लस LED माइनस वाला पॉइंट में क्लिक करना है, और फिर आपको ग्राउंड से ग्राउंड में मैच कराना है। फिर इसको आपको इनेबल की जो लाइन है 1.8 के साथ आती है, तो इसको भी इन करना जाए, तो आपका लाइट परफेक्टली तरह से ऑन हो जाएगा, परफेक्टली तरह से बर करेगी। और आशा करता हूँ आप मेरा इस देखने के बाद भी, आप YouTube भी कितने भी देखोगे तो आपको सर्किटें समझ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। और नॉलेज ऐसी जगह है जो कि कहता है एशिया टेलीकॉम पूरे वादे के साथ कहता है, हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे ज़रूर। आप कहाँ तक कोई सी दुकानों में, कौन से यहाँ किसके पास बनवाओगे, कहाँ तक दूसरे को पैसे दोगे, एक बार आप यदि सोच भी रहे, कदम उठा रहे, तो परफेक्टली कहीं जाने से पहले आप ऐसे टेलीकॉम में ज्वाइन करके देखिए। वादा है कि आप अच्छे से टीचर की तरह बन के जाओगे, स्टूडेंट की तरह बन के नहीं जाओगे। तो ऐसे टेलीकॉम में एक बार जरा कॉल करके, कॉन्टैक्ट सर का नंबर नीचे दिया गया है, आप इसमें बात कीजिए। एक बार सर अच्छे से ट्रीट भी करते हैं, अच्छे से समझाते भी हैं, ऐसे बेसिक तरीके से समझाते हैं कि आपको अनपढ़ भी हो तो भी समझ जाओगे आप, इतने इजी तरीके चलता है। तो थैंक यू देव सर, थैंक यू ऐसे टेलीकॉम मेरे को ज्वाइन कराने के लिए। नमस्ते इंडिया, तो ये वीडियो देख रहे हैं साउथ से, JNK से, जो वीडियो देख रहे हैं बंगाल से, या कहीं से भी, अगर आप पढ़ते हैं या आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं या आप सीखना चाहते हैं, तो आप जुड़िए एसर टेलीकॉम से। सबसे पहले हमारे वीडियो देखिए हमारे चैनल पर जाके, या फेसबुक में जाके एसर टेलीकॉम सर्च कीजिए, और लाइव वीडियो देखिए हमारे डेली क्लासेस के, या एसर टेलीकॉम के चैनल पर जाके आप उनके वीडियो देखिए। आप पहले, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पहले दिन ही मुझे कॉल करके एडमिशन लीजिए, आप मुझे 3 महीने तक लगातार देखिए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक मुझे 3 महीने 4 महीने देखेंगे तभी आपको मुझ पर ट्रस्ट आएगा, और आप फिर बोलेंगे सर यही बंदा मुझे पढ़ा सकता है। और मैं बिलीव मी, मैं आपको 3 दिन में लाइव पावर, 4 दिन में लाइव सीखी, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। और आपको जबरदस्त आईसी मॉडिफिकेशन के साथ हम सर्किट करवाएंगे, जबरदस्त डैट और नेटवर्क सेक्शन, और आपको पीसीबी का देखने का नजरिया चेंज करेंगे, और बेहतर क्वालिटी में आपको सॉफ्टवेयर, और बेहतर क्वालिटी में आपको सॉफ्टवेयर का एडवांस आपको सब कुछ, और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैकअप, जिसमें आपको हमारे बैकअप एप्लीकेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा, और ये सारी चीजें एसर टेलीकॉम से साथ पॉसिबल है। तो आज ही कॉल कीजिए एसर टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच।